राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर पिछले साल जैसे हालात नजर आने लगे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के साथ अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों का भी धैर्य जवाब देने लगा है। करीब ढाई साल पुरानी गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से विधायकों में नाराजगी बढ़ने लगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। पिछले साल बगावत करने वाले कांग्रेस विधायक एक बार फिर सचिन पायलट पर लड़ाई के लिए निर्णायक दबाव बना रहे हैं। पिछले दो दिन में आधा दर्जन विधायकों के साथ ही अन्य नेताओं ने भी पायलट से मिलकर कहा कि वे पार्टी आलाकमान से साफ बात करें कि वे एक साल पहले हुए समझौते के अनुसार गहलोत सरकार में फैसले करवाएगा या फिर उन्हें ही कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता बगावत का हो सकता है। सचिन पायलट के वरिष्ठ विधायकों में शामिल रमेश मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी ने पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों से संपर्क साधा है। एक विधायक ने दावा किया है कि गहलोत समर्थक छह विधायक खुलकर उनके साथ आने को तैयार है। अधिकांश विधायक मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर नाराज है। विधायकों और संगठन के नेताओं प्रदेश प्रभारी अजय माकन को लेकर भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। अजय माकन ने 10 माह में चार बार सार्वजनिक रूप से सत्ता व संगठन में विस्तार का आश्वासन दिया, लेकिन अशोक गहलोत से फैसले कराने में नाकाम रहे। इन विधायकों ने जब अजय माकन से बात करने की कोशिश की तब अजय माकन ने इनकार कर दिया। सरकार से नाराज चल रहे कांग्रेसियों का कहना है कि अब राहुल गांधी से सीधी बात होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जून के दूसरे सप्ताह में विधायक और पार्टी नेता दिल्ली जाकर राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। उधर गहलोत के कोरोना प्रबंधन से पार्टी की कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी खुश बताए जाते हैं। देश में सबसे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट, सबसे पहले शुरू कराने वाले निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने और सीएम के नियमित समीक्षा करने को लेकर राष्ट्रीय नेता तारीफ कर रहे हैं। पिछले साल पायलट खेमे की बगावत के समय सीएम गहलोत के साथ रहने वाले वरिष्ठ विधायक अमीन खान, मदन प्रजापत, बाबूलाल बेरवा, इंदिरा मीणा, रामलाल मीणा और राजेंद्र गुड्डा इन दिनों नाराज चल रहे हैं। अमीन खान, बेरवा, प्रजापत और मीणा ने विधानसभा और बाहर मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इन विधायकों ने मंत्रियों पर कांग्रेसियों से नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने तक के आरोप लगाए। बसपा के सभी छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने वाले गुड्डा भी नाराज है। सूत्रों के अनुसार गुड्डा को बसपा विधायक दल के कांग्रेस में विलय के कुछ दिनों बाद ही मंत्री पद देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वह अब तक पूरा नहीं हो सका। छह बार विधायक रहे हिमाराम चौधरी ने सरकार में सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर पिछले दिनों विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विचाराधीन है। पायलट समर्थक अन्य विधायक रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, पी आर मीणा, राकेश पारिक, वेद प्रकाश सोलंकी खुलकर अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं। इन विधायकों ने सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।